क्या आप भी अपने फेसबुक के अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो होने वाली सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने फेसबुक के अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फेसबुक अकाउंट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ऊपर की तरफ देख सकते हैं हमें 3 लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो हमें नीचे की तरफ देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही अब हमें फिर से देख सकते हैं नीचे की तरफ सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं सबसे ऊपर ही हमें एक ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट सेंटर का, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। तो अब आपको करना ये है कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है पर्सनल डिटेल्स, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही अब देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो हमें करना ये है कि देख सकते हैं नीचे में हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको भी इस तरीके से ध्यान से फॉलो कर लेना है। अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको फेसबुक को ही सिलेक्ट करना है, आप गलती से इंस्टाग्राम को सिलेक्ट नहीं कर लेना। तो इस तरीके से हम अपने फेसबुक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डीएक्टिवेट अकाउंट, और नीचे की तरफ हमें मिल रहा है डिलीट अकाउंट। तो अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके और नीचे से कंटिन्यू कर ले। लेकिन हमें तो अपने अकाउंट को डिलीट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें इसको इनेबल कर देना होगा। उसके बाद अब हमें नीचे की तरफ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फेसबुक एक रीज़न को मांग रहा है कि आप अपने फेसबुक के अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ से किसी एक रीज़न को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से फर्स्ट वाले रीज़न को ले लेती हूँ। उसके बाद हमें नीचे से कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करते ही अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर से हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक बार बार हमें बोल रहा है कि अरे आप अपने अकाउंट को डिलीट मत करो, डीएक्टिवेट कर लो। देख सकते हैं यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी इस पर क्लिक नहीं करना है। तो अब हमें करना ये है कि स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं हमें कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने पासवर्ड को डाल दें, तो यहाँ से मैं अपने पासवर्ड को डाल दूंगी। पासवर्ड डालने के बाद देख सकते हैं हमें नीचे की तरफ कंटिन्यू का ऑप्शन मिला है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो मुझे अपने अकाउंट को परमानेंट डिलीट नहीं करना। तो आप भी इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने फेसबुक के अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।